हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। काफ़ी टाइम से मेरे को रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं कोई सैंडविच रेसिपी शेयर करूँ जो बनाने में बहुत इजी हो, ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े और झटपट बन जाए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैं शेयर कर रही हूँ ऐसी ही एक इजी टेस्टी चटपटी सैंडविच रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ये स्पाइसी टेस्टी सैलेड सैंडविच। तो सबसे पहले तो इसकी स्टफिंग रेडी करेंगे। मैंने यहाँ पर लिए एक प्याज जिसे इस तरह से बारीक स्लाइस कर लिया है। तो ये देखिए, इस तरह से ही आपको प्याज को चॉप करना है। थोड़ी सी फ्रेश हरी धनिया को चॉप कर कर मिलाएंगे और थोड़े से टमाटर भी चॉप कर कर डालेंगे। और फ्लेवर देने के लिए मैं थोड़ी सी शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ। शिमला मिर्च हमें ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा सा ही रखेंगे इसे हम, ताकि सैंडविच में बस हल्का सा फ्लेवर आ जाए इसका। नींबू निचोड़ेंगे आप, तो आधा नींबू निचोड़ लीजिए। अब इसमें हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर नमक डाल रही हूँ, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिला लीजिए। चिली फ्लेक्स डालेंगे, आप इसकी जगह हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे। बस अब इस सैलेड को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमने प्याज काटी है उसे हमें इस तरह हर एक लच्छे को अलग करना है। ये देखिए, सारे लच्छे मैंने अलग कर लिए हैं। अब इसमें हम दो आलूओं को ऐड करेंगे। तो ये उबले हुए आलू लिए हैं जिन्हें हम कद्दूकस कर कर मिलाएंगे। तो अच्छे से ग्रेट कर लीजिए। और लास्ट में मैं इसमें थोड़ी सी चीज भी ग्रेट करके डाल रही हूँ। बस अब सारी चीजों को अच्छे से मिला लेना है और ये हमारी स्टफिंग तैयार है। अब बस दो ब्रेड स्लाइसेस ले लीजिए, थोड़ा सा टोमेटो केचप डालेंगे और थोड़ा सा चिली सॉस डालेंगे। दोनों सॉस को हम अच्छे से मिलाएंगे और पूरी ब्रेड पर फैलाते हुए लगाएंगे। ये देखिए, चिली सॉस और टोमेटो सॉस लगा लिया हमने। अब इसके ऊपर रखेंगे स्टफिंग। तो जो हमने ये स्टफिंग बनाई थी सैलेड की, इसे भी फैलाते हुए बढ़िया तरीके से पूरे ब्रेड स्लाइस पर जमा लीजिए। स्टफिंग आपको थोड़ी ज्यादा ही रखना है फ्रेंड्स, तभी ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो इसे स्टफ करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं कीजिए। बढ़िया स्टफ कर इसे दूसरे स्लाइस से हम इस तरह से कवर कर देंगे। तवा भी गर्म हो चुका है, तो थोड़ा सा बटर लगा लीजिए तवे पे। और अब इस सैंडविच को हम सेकेंगे। तो जिस स्लाइस पर हमने स्टफिंग रखी है उसको हम नीचे की तरफ रखेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मैं रख रही हूँ, स्टफिंग वाला पोर्शन जो है वो नीचे की तरफ है। और इसे अब हम कवर कर एकदम लो फ्लेम पर पकाएंगे। तो ढक दीजिए इसे और गैस की आंच को एकदम धीमी कर दीजिए। लगभग 3 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स, तो चलिए अब चेक करते हैं सैंडविच को। और इसे पलटने से पहले थोड़ा सा बटर लगा लेंगे हम। और अब मैं इसे पलट रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया सिका है, एकदम गोल्डन कलर आ गया है और बिल्कुल भी नहीं जला है। तो बस अब हम इसे दूसरे साइड से भी सेकेंगे। अब इसे हमें कवर नहीं करना है, खुले तवे पे ही सेकना है। ये देखिए दोस्तों, दोनों तरफ से कितना बढ़िया सिक चुका है सैंडविच। इसे अब कट करके भी देख लेते हैं। और ये तैयार है हमारा चटपटा टेस्टी सैलेड का सैंडविच। इसे आप सर्व कीजिए टोमेटो केचप या फिर चटनी के साथ। उम्मीद करती हूँ आपके घर में सबको ये पसंद आएगी। जरूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसी बनी थी। वीडियो अच्छा लगा है तो जाते जाते लाइक करते जाइए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना ना भूलिए। और मेरी बाकी की सैंडविच रेसिपीज को जरूर चेक कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।